अभी हाल ही में ओला की गाड़ी आ रही है जो कि इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, टॉप स्पीड भी अच्छी है, एवरेज भी अच्छा है, तो आपने उसको भी कुछ आपके दिमाग में आया था इसको लेने का या फिर? आया था एक बार ओला का भी, जब मैंने देखा कि हाँ इतना अच्छा प्राइस, लगभग सेम है, 20-30 हज़ार रुपये का फ़र्क है, बट प्रॉब्लम ये आ रही है उसमें। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हीरो ऑप्टिमा का ऑनर रिव्यू, जो कि हमारे आकाश जी ने लिया हुआ, इसको लगभग 1.5 महीने हो चुकी हैं और उनसे हम जानेंगे इस गाड़ी के बारे में, अब तक उनको इस 1.5 महीने में कैसा एक्सपीरियंस मिला है। और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो जाए, इसलिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बुलाते हैं आकाश जी को जो कि इस गाड़ी के ऑनर है। तो आइए सर। हेलो सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सर हम आज आपसे जानेंगे इस गाड़ी को अब तक कि इसमें आपको कैसा परफॉर्मेंस मिला है और इसमें क्या क्या दिक्कत मिली है, वो आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उन तक शेयर करिएगा, जो कि लेना चाहते हैं उन तक की जो सही रिव्यू है वो पा सके। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये करता हूँ कि आपने पेट्रोल गाड़ी को छोड़ करके इलेक्ट्रिक गाड़ी पे क्यों सोच किया, ये सबसे बड़ा सवाल है और वो आपका क्या जवाब है? ये तो ऐसा सवाल है कि इस वक्त हर इंसान यही चाहता है कि पेट्रोल गाड़ी जो है स्विच करके इलेक्ट्रिक ले ले, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और रोज़ लोगों का रन इतना ज़्यादा है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि वो जाम में फंसे फंसे उसका पेट्रोल ऐसे ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो आज के समय में इलेक्ट्रिक गाड़ी एकदम आपके लिए इतनी ईज़ में है कि आप आराम से कहीं भी आना जाना सोच सकते हैं, आप जब चाहें अपनी सीज़न निपटा सकते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी क्योंकि एक यूनिट बिजली आपकी जा रही है, कुछ खास नहीं। और सर वैसे देखा जाए तो बहुत सारी गाड़ियां आ चुकी हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी, तो आपने बाकी सब गाड़ियों को छोड़कर के इस हीरो ऑप्टिमा को ही क्यों प्रेफर किया, इसका कोई कारण? हाँ, एक कारण तो यही आप समझिए कि बरसों से हीरो चलता चला आ रहा है। हाँ, वो तो काफ़ी पुरानी है हमारी, पुराना ब्रांड है, विश्वसनीय है, जैसे टाटा, अपना टाटा हम सोचते हैं कि टाटा का ब्रांड है तो चलिए अच्छा चीज़ सही होगी, तो वही सोच के हमने थोड़ा सोचा कि हीरो में ही लेते हैं, तो हीरो में ही ऑप्टिमा इसका जो मॉडल था उसी में डुअल बैटरी आ रही थी, तो इस वजह से हमने ऑप्टिमा ही सिलेक्ट करी, हमने कहा हमें डुअल बैटरी का ही काम पड़ता है तो इसलिए ये हमारे लिए अच्छी रहेगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ इसमें आपको डबल बैटरी मिल जाती है, यानी कि ये एक आप बैटरी को एज अ एवरेज बैकअप यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। मुझे भी पर्सनली ये चीज़ काफ़ी पसंद आई कि इसका जो बैकअप ऑप्शन है वो जनरली बाकी गाड़ियों में भी देना चाहिए, भले ही 10 से 15 किलोमीटर का दें लेकिन थोड़ा बहुत देना चाहिए, बैकअप चाहिए। ठीक, और तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि इस गाड़ी का प्राइस आपको कितना लगभग पड़ा है। ये प्राइस, ये गाड़ी हमको जिस वक्त मैंने ली थी, करीब 1.5 महीना हो रहा है, 1.5 महीने पहले मैंने जब ली थी तो ये मुझे 73 की पड़ी थी, बट अभी मैंने कुछ समय पहले फिर से मैं वो शोरूम गया था ऐसे ही बस इंक्वायर मैंने किया तो वो 84 की हो चुकी है। तो माने कि आपकी लगभग 10,000 रुपये राइज हो गए हैं एकदम से। और अगर इसकी बैटरी की बात करें तो इसकी बैटरी को चार्ज होने में कितना समय लग जाता है और आपका लगभग कॉस्ट कितना आता है, कभी आपने इसका मेज़र किया है? हाँ, कंपनी भी क्लेम करती है, मैंने भी इसको चेक किया। खैर, तो इसमें हमारी बैटरी चार्ज होने में करीब 4.5 घंटे लगते हैं एक बैटरी को चार्ज होने में। अच्छी बात यह है कि कंपनी ने दोनों बैटरियों के साथ दो चार्जर अलग अलग दिए हुए हैं, तो दोनों एक साथ ही आप लगा सकते हैं, तो चार घंटे में दोनों एक में दोनों एक साथ आपके चार्ज हो जाए, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ दी गई है। अगर 1x1 कर दे तो लगभग 8 घंटे चला जाता है आपका। और सबसे अच्छी बात यह भी है कि साथ में ऑटो कट ऑफ भी है कि आपकी बिजली एक्स्ट्रा नहीं जाएगी, जैसे ही वो चार्ज हो जाएगा ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ अगर इसकी परफॉर्मेंस कर दें तो अब तक आपको इसका परफॉर्मेंस कैसा मिला है? परफॉर्मेंस के मामले में है तो अच्छी, फिलहाल आपका पिकअप भी बहुत अच्छा मिलेगा, सिटी के हिसाब से 40 की स्पीड इज़ इनफ, 40 तक चलता है और आप आराम से दो लोग भी 40 से 42 आराम से आप पहुंच जाओगे बैठ के। और इससे अगर फ्लोप की बात करें, जो खड़ी चढ़ाई होती है, हाँ, उस पर ये कैसा परफॉर्म करती है? थोड़ा सा इसमें बस इन लोगों को यही सब इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अभी थोड़ी, स्लोप पर जब चढ़ाएंगे आप तो खड़ी स्लोप पर समझिए एकदम आपको अकेले लेके शायद धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते 7-8 की स्पीड तक में चढ़ जाएगा। अच्छा, मैं इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, हाँ, लेकिन वो चढ़ा देती है, चढ़ा देते सिंगल में, सिंगल बट आप डबल में एक थोड़ी सी खड़ी स्लोप पे जाएंगे जो थोड़ी सी ऐसे स्लैंट होगी, हाँ, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल है, दूसरे व्यक्ति को उतरना पड़ेगा तभी आप उसको चढ़ा पाएंगे, जो कि बहुत एम्बरेसिंग लगता है। ये फिलहाल के लिए अकेले के लिए, आपकी शॉप का काम हो या आपके आपको दिन भर कोई दौड़ भाग करनी हो चीज़ें, ये आपके पर्सनल यूज़ के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है और सिटी के अंदर। तो अब तक आप कितना पैसा बचा चुके हैं, जो कि बहुत बड़ा सवाल होता है। अब आप ये समझिए मैंने इधर 1.5 महीने में करीब 1600 किलोमीटर चला लिए, 1600, हाँ 1600 किलोमीटर चला लिए, तो 1600 किलोमीटर के हिसाब से अगर 40 का एवरेज भी लेके चले हैं तो मेरे 40 लीटर हो गए। बहुत सही आपका, यानी आपको 1.5 साल में आपकी गाड़ी पूरी फ्री हो जाएगी, फ्री हो जाएगी 2 साल में, आप मान के चलिए कि अगर आप एवरेज लेके चलें 2 साल में गाड़ी फ्री है।
अच्छा, अब इस डेढ़ महीने में आपको इस गाड़ी को लेकर कुछ ऐसा इशू देखने को मिले कि इसमें थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए था, ये क्या चीज़ और अच्छी होनी चाहिए थी? हाँ, एक तो इसमें मतलब मोटर को थोड़ा पावरफुल बनाना चाहिए ताकि ये स्लोप जैसी चीज़ें हैं वो चढ़ सके, किसी को बैठा के एम्बेरसिंग ना फील हो। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका ये जो फाइबर है, ये देखिए, ये इसमें ये वाइब्रेशन आता है। हाँ, ये काफ़ी अभी भी हो रहा है। ये सब चीज़ें इनको देखनी पड़ेंगी कि मतलब जब भी आप थोड़े से गड्ढे में चलाएंगे तो आपको खट से आवाज़ आएगी, तो वो चीज़ आपको, एक तो ये साइलेंट गाड़ी है तो हल्की सी आवाज़ आपको ख़राब लगती है, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। यही बात आपकी बिल्कुल सही है कि हल्का सा भी कुछ आवाज़ आता है तो लगता है कि यार कुछ गाड़ी में खराबी तो नहीं हो रही है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा कोई आपका ऐसा कोई दिक्कत हो? नहीं, बाकी ऐसा इन्होंने इसमें बाकी और कुछ कमी नहीं छोड़ी, एक वही इनकी मोटर थोड़ी सी ये पावरफुल कर दें और ये जो फाइबर जैसा इन्होंने लगाया उसको थोड़ा सा मजबूत कर दें, बाकी इस गाड़ी में मेरे ख्याल से कोई भी कमी नहीं है। अगर दूसरी सबसे अच्छी बात ये आती है कि अभी तक आपको इसका एवरेज चेक किया है, लगभग कितना मिला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। एक बैटरी आप ये मान के चलें कि एक बैटरी मतलब कोशिश करता हूँ मैं एक ही बैटरी में चला लेता हूँ ज़्यादातर, तो एक बैटरी अगर आप ठीक तरह से चला रहे हैं, मतलब आप स्पीड मेंटेन रख रहे हैं हल्का सा, मतलब 30-35 तक जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आप कर रहे हैं, आपका 70 किलोमीटर कहीं नहीं गया एक बैटरी से। मतलब एक बैटरी से आप 70 किलोमीटर कहीं नहीं गया, तो यानी आपकी दूसरी बैटरी में आपके 70 मिले तो 140 का एवरेज आप मतलब बहुत आराम से ले रहे हैं। 122 क्लेम कर रही है, बट आप स्टिल ऑन आप ज़्यादा निकाल सकते हो, वो आपके चलाने के तरीके पर डिपेंड है। यही बात सही है आपकी, तो मतलब एक बार चार्ज करने पर आप 140 किलोमीटर जा रहे हैं, आप आराम से चल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। दूसरा सवाल ये है कि इसका जो चार्जिंग है उसको यूनिट को लेकर लगभग इसमें कितना खर्चा आ जाता है 140 किलोमीटर चलाने में, क्योंकि लोगों को लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा बिजली लगती होगी, तो उसका आपका क्या आंसर है? देखिए, सीधी सी बात है, इसमें आपकी बिजली एक बैटरी में एक यूनिट से जाएगी। अगर आप घर पर चार्ज करते हैं तो 5.5 रुपीज़ है यहाँ पर आपके यूपी में, तो एक यूनिट यानी 5.5 रुपये आपका वो लग रहा है, और कमर्शियली अगर चार्ज करते हैं 7.5 अगर आप रेंटल नहीं ऐड करते हैं तो, मतलब एक यूनिट आपकी एक बैटरी पूरी चार्ज कर देगी, तो आपकी दो बैटरियाँ दो यूनिट हो गए, यानी 11 रुपये आपके लगे, 11 रुपये में आप 140 किलोमीटर चलें, तो 11 रुपये में 140 किलोमीटर बहुत सही है। पेट्रोल में अगर चलना हो तो अरे तो आप 100 रुपये में 40 चलेंगे तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा सेविंग कर पा रहे हैं हमारे आकाश जी। और आप भी कर सकते हैं यदि आप इलेक्ट्रिक गाड़ी पर स्विच करते हैं। और दूसरी एक बात यह है कि अभी हाल ही में ओला की गाड़ी आ रही है जो कि इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, टॉप स्पीड भी अच्छी है, एवरेज भी अच्छा है, तो आपने उसको भी कुछ आपके दिमाग में आया था इसको लेने का या फिर? आया था एक बार ओला का भी, जब मैंने देखा कि हाँ इतना अच्छा प्राइस लगभग सेम है, 20-30 हज़ार रुपये का फ़र्क है, बट प्रॉब्लम ये आ रही है उसमें कि उसमें हम बैटरी रिमूव नहीं कर सकते, उसमें हमें लगे लगे ही चार्ज करना है। ये प्रॉब्लम उन लोगों के लिए ज़रूर आएगी जिनका घर अपार्टमेंट्स में है, जिनका घर मतलब मेरा जहाँ पे घर है वहाँ पर नीचे गली वाला सिस्टम है, तो वहाँ पर मैं बाहर अगर चार्जिंग पे लगाऊंगा तो कभी कुत्ता कोई काट देगा या कुछ कर देगा, तो मेरा वो नुकसान है। मुझे चाहिए थी रिमूवेबल, मेरे घर के अंदर खड़ी करने की जगह नहीं, तो रिमूवेबल बैटरी मैं घर के बाहर गाड़ी खड़ी करके निकाल लेता हूँ और अंदर ले जाके चार्ज कर लेता हूँ, देन सुबह ला के फिर से लगाता हूँ, फिर से मैं रेडी हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है उनके लिए जिनको बाहर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है और चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए रिमूवेबल बैटरी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसी वजह से मैंने इस पर ऑप्ट ही किया था कि ये रिमूवेबल बैटरी है इसमें बस। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। यदि आप गाड़ी को लेना चाहते हैं तो बिल्कुल, आकाश जी आपका क्या रिव्यू है इस गाड़ी को लेने के लिए? जी, मेरे ख्याल से अगर आप अभी लेना चाहते हैं तो आप अभी भी इसको ले सकते हैं, और आप बस इसमें इन्होंने पैसा बढ़ा दिया तो थोड़ी सी परेशानी इस बात की है। नहीं, हमें इस गाड़ी की बात करूँ, लगभग सभी कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी में से गाड़ी लेने वाली है या नहीं, लोगों के मन में डाउट आता है ना कि इसके बाद कैसा उनको रिएक्ट मिलने वाला है। लोगों को ये ज़रूर देखना चाहिए, जैसे अगर उनके घर में गाड़ी खड़ी करने की जगह है तो वो ज़रूर कोई भी मतलब उसमें से देख सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक ले लें, बहुत अच्छा है, क्योंकि बाहर ही चार्जिंग पॉइंट है, जैसे इसमें भी बाहर भी है चार्जिंग पॉइंट और अंदर से आप बैटरी निकाली सकते हो, उसमें आप बाकी ज़्यादातर में आप निकाल नहीं सकते, तो आपको बाहर ही से चार्ज करना पड़ेगा। अगर आपके घर में जगह है तो आप उसमें उसके लिए आप वैसे में ऑप्ट कर लो, अदरवाइज नहीं है जगह तो आप रिमूवेबल पे जाओ, लेकिन आप जाओ ज़रूर, बहुत अच्छी चीज़ है मतलब कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ी पे बहुत बिना किसी टेंशन के स्विच कर सकते हैं, आपका नॉइज़ पोल्यूशन कोई भी हो जाएगा आप कहीं भी जा रहे हैं, आप रस्ते पर हैं, आपका नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है, एकदम शांति से आप जा रहे हैं, आपको खुद लगेगा कि एकदम पानी पे चल रहे हैं आप। यानी आप अगर 2-3 दिन इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हैं तो पेट्रोल गाड़ी आप भूल जाएंगे, नहीं मन करेगा। और दूसरी एक बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ी होती है उनकी गाड़ियाँ तो अच्छी होती है, लेकिन जो कस्टमर रिव्यू होता है, कस्टमर सर्विस, वो लोगों को बहुत ज़्यादा सर्टिफाइड सेक्शन नहीं मिलती है, तो आपके साथ ऐसा कुछ रहा है कि जो कस्टमर सर्विस है आपको कैसे मिली है उस पर आपको आप बताना चाहेंगे? अभी तक तो हालांकि जो इसमें छोटी छोटी कमियां थी, जैसे जब शुरू में आई थी तो इसमें LED बल्ब इसका उल्टा लगा हुआ था, अच्छा, तो वो सब सही करें, तो मैं मतलब जो हमारा डीलर है
उसके पास मैं लेके गया तो वो तो उसने छोटी छोटी प्रॉब्लम, मतलब मैं बार बार ही पहुंचता, उसने इवन जितनी बार मैं पहुंचता फिर कहता है सर कुछ और दिक्कत हो आप फिर आ जाइएगा। तो हाँ, ये आपको मतलब कि आप कस्टमर सर्विस से बहुत सेटिस्फाइड हैं? हाँ, मैं क्योंकि मुझे बहुत सारी कंप्लेंट मिलती हैं कि हाँ, जो कस्टमर सर्विस है वो बहुत गाड़ी लेने तक तो सही रहता है, उसके बाद जब भेज देते हैं तब उनका बिल्कुल टोन चेंज हो जाता है। अभी मैं परसों ही है, इसका ब्रेक मुझे टाइट में करवा के आया हूँ, तो कुछ नहीं, वो बस इजीली, बस जैसे ही मैं पहुंचा मैंने कहा भैया इसका ये है ब्रेक ढीला, उन्होंने कहा सर तुरंत कर देता हूँ, उन्होंने कर दिया, बस मैं चला गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो चली गई हो और आपसे इस गाड़ी जुड़ा जो भी क्वेश्चन हो आप तक उसका आंसर मिल गया होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ये ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।